इतने दिखा दे रहा तो हिंदू के होते हुए हिंदू के होते हुए मुल्ला का ले रही तो किसको वही ना लगाए मेरठ में कथित लव जिहाद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। यूपी पुलिस की तरफ से लड़की के साथ जो व्यवहार हुआ उसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी अब बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। वीडियो के वायरल होते ही चारों पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। अब पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसी हरकत को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर जिन लोगों ने लड़की को कथित तौर पर पकड़ा था पुलिस उन्हें भी बख्शने के मूड में नहीं दिख रही। पुलिस ने इस मामले में दरोगा प्रमोद कुमार की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इस मामले में 18 नामजद जबकि 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। देखिए पुलिस विभाग इस तरह का कोई भी अमर्यादित आचरण बर्दाश्त नहीं करेगा जो कि गैर कानूनी हो, खासकर वैसे लोगों से जिन पे की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखने की। इसका संज्ञान लेते हुए विभाग ने तत्कालिक रूप से पूरे जो हमारे उस पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकिल का स्टाफ था उसको निलंबित किया है और उसके विरुद्ध हम लोग कठोरतम कार्रवाई करेंगे और किसी को भी कानून हाथ में लेके किसी के साथ जातिगत सांप्रदायिक या किसी तरह का द्वेष फैलाने का या टिप्पणी करने का नस्लीय टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में मेरठ की एक लड़की को कथित तौर पर दूसरे धर्म के लड़के के साथ हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने पकड़ा था, जिसके बाद लड़की को पुलिस अपनी जीप में बैठाकर थाने ले गई थी। इसी दौरान रास्ते में पुलिस कर्मियों ने लड़की के साथ अश्लील बातें की, जिसको लेकर अब राज्य में सियासत गरमा गई है। एक वीडियो वायरल हुआ है, जो वीडियो हम लोगों तक लाया गया है, हम लोगों ने देखा है उसमें, और वीडियो देखने के बाद प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट दिख रहा है कि उसमें एक लड़की बैठी है, उसके साथ एक महिला कांस्टेबल मारपीट कर रही है और बाकी जो लोग बैठे हैं उनकी एक उनके द्वारा कुछ ऐसी बातें कही जा रही है जो आपत्तिजनक है, अपशब्द कहे जा रहे हैं। इस सबको संज्ञान में लेते हुए और प्रथम दृष्टया जो सामने चीज़ें दिख रही हैं उसके आधार पर जो पुलिसकर्मी हैं उनको तत्काल निलंबित किया गया है और जो होमगार्ड उसमें है उस होमगार्ड के विरुद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित डिपार्टमेंट को लिख दिया गया है और जो तीन बाकी इंक्लूडिंग महिला कांस्टेबल। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप यूट्यूब पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक पर लाइक भी कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो भी।